जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तोर कोस गृह मोर सभा, सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम जी ने कहा कि हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक कल्प के समान बीत रहा है। तापस भेष गात कृष जापत निरंतर मोहि, देख बेग सो जतन करो सखा निरो तो ही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तपस्वी के भेष में कुछ दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं, हे सखा यही उपाय करो जिसे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते औदि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यदि औधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित तो हो रहा है। करूं कल्प भरी राजु तुम्हा, मोहि सुमिरहुँ मन माहि, पुनि मम धाम पायहुँ जहाँ, संत सब जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी ने फिर कहा कि हे विभीषण, तुम कल्प भर राज करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत लोग जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री राम जी के वचन सुनते ही विभीषण जी हर्षित होकर के कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालु खुश हो गए और प्रभु के चरण पकड़ करके उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण वसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को ला करके प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंस करके कहा, चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाय बरसहु षट भूषण। नब कर जाय विभीषण तबहीं, बरस दिए मणि अंबर सबहीं। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़ करके आकाश में जाकर के वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब अज्ञा सुनते हैं विभीषण जी ने आकाश में जाकर के सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावहिं सोई लेहिं, मन मुख मोलि डारी कपि देहिं। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतिकी कृपा निकेता। जिनके मन को जो अच्छा लगता है वह वहीं ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर के बानर फिर उन्हें खाने की चीज़ समझ करके उगल देते हैं। यह तमाशा देकर के परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। पुनि जई ध्यान न पावई, ने तिने ति कह बेद।
कृपा सिंधु सोय कपिन सना करत अनेक विनोद सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी बानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निकवे पल प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ वस्त्र व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसे ही कृपा नहीं करते जैसे कि अन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालु कपिन पट भूषण पाए, परिहरि परिहरि रघुपति पहियाए। नाना जिन्स देखि सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालुओं और बानरों के कपड़े गहने पाए और उन्होंने पहनकर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जाति के बानरों को देखकर के कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सभी सब किन्न दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देख करके सब पर दया की। फिर वे कोमल बचन कहते हैं कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहूँ, सुमिरहु मोहि डरपहुँ जनिकाहूँ। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर के जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम से बिहल होकर के हाथ जोड़ करके आदर पूर्वक बोले। प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सब सोहा, हमरे होत बचन सुनि मोहा। दिन न जान कपि किए सना था, तुम त्रिलोक इस रघुनाथा। हे प्रभु, आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, अच्छा लगता है, पर आपके वचन सुनकर के हमको मुँह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, हम बानरों को दीन जानकर के ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं, मसक कहूँ खगपत हित करहीं। देखि राम रुख बानर रिक्षा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर के हम आज के मारे मर जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देकर के रिक्ष बानर प्रेम मग्न हो गए, उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सबा, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, बिने विविध विधि भास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से बानर भालु श्री राम जी के रूप को हृदय में रह करके और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कपिपति नील रिक्षपति अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे जूथम कपि बलवान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बानरराज सुग्रीव, नील, रिक्षराज, यामान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान सेनापति हैं, कहीं न सकहें कुछ प्रेम बसा। भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चितहिं राम तना। नयन निषेध निवार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वे कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर करके, नेत्रों का पलक मारना छोड़ करके, टकटकी लगाए हुए सन्मुख होकर के श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लिन्हो सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्रचरण सिरुनायो, उत्तर दिशहिं विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देकर के सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्रचरणों में सिर नवा करके उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया।
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हुआ, सब कोई रघुवीर जी की जय हो कह रहे हैं। विमान में एक ऊंचा स्थान मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चलहुँ अति आतुर, किन्नु सुमन बृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बिहारी, सागर सर सरित निर्मल बारी। सगुन होए सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत दुख देने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुबीर जी ने कहा कि हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्रजीत को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये सारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाला कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तु बांध्यो अरु था पहुँ शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि शंभु की किन्न प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित रामेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया। जह 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 कृपा सिंधु बन किन्न बास विश्राम। सकल दिखाई जान कहीं कहे सब के नाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बतलाए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभ जात मुनिदायक नायक नाना गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ पर सुंदर दंडक बन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों पर गए। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनि कर संतोषा, चले विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर के जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरसिन सुहाई। पुनि देखे सुरसरी पुनीता, राम का प्रणाम अरुषिता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए, फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति मुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हर्षनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु औदपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नशावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के ताप और भाव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित औध कहूँ किन्न कृपान प्रणाम।
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। यूँ कहकर के कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर के श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मुनि प्रभु आई त्रिवेणी हर्षि मंजुकिन, कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दिन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर त्रिवेणी में आकर के प्रभु ने खुश होकर के स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों की अनेकों प्रकार की दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कथा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायहु, समाचार ले तुम चले आयहु। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा करके कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धर करके अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर के चले आना। तुरत पवन सुत गौन भयऊँ, तब प्रभु भारद्वाज पहि गयऊँ। नाना विधि मुनि पूजा किन्नी, स्तुति करि पुनि आशीष दिन्नी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए, तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जुड़ करके तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़ करके फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान तब आयो, उतरहु तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूज सुरसरी, बहुत प्रकार पुनि चरण परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग करके इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पा करके वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी सहित बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दिन अशेष हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहिवात अभंगा। सुनत गुहा धायहु प्रेम कुल, आयहु निकट परम शुभ संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर के आशीर्वाद दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज प्रेम में विहल होकर के दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर के वह प्रभु के समीप आया। प्रभु हई सकी सहित बिलोक वैदेही, परहु अवनति तन सुधि नहि तेहि। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देख करके वह आनंद समाधि में मग्न हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देख करके उसे उठा करके हर्ष के साथ हृदय से लगा लिए। लियो हृदय लाई कृपाल, निधान सुजान राय रमापति। पैठारी परम समीप बुझी, कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक, बिरंचि शंकर सेव्य जे। सुख धाम पूर्ण काम, राम नमामि राम नमामि ते। सुजनों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठा करके कुशल पूछी। वह विनती करने लगा कि आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके दर्शन करके अब मैं सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसा निषाद राज कहने लगा। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भगत जो उरलायो। मति मंद तुलसी दास सो, प्रभु मोह बस बिसरायो। यह राम नारि चरित्र पावन, राम पद रति पद सदा। कमादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंदबुद्धि ने मैंने मोहबस उस प्रभु को भुला दिया था। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के चरित्र सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति निता तिनहि देख विज्ञान, भवान भगवान सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो सुजान लोग रघुवीर जी को समर विजय संबंधित लीला को सुनते हैं, उनके भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलाय तन मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन अधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर के पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास प्राण 27वां विश्राम। इति श्री रामचरित्र मानस सकल सकल्पित विधान से स्पष्ट सोपान समाप्त, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित्र मानस का यह 6ठा सोपान समाप्त हुआ, यानी लंका कांड समाप्त हुआ। अब कल उत्तर कांड शुरू होगा। तो चलिए, राम जी का स्तुति आज एक बहुत ही सुंदर स्तुति है, उसको हम लोग गाते हैं। जय राम सदा सुख धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धरे, भव बानर दानर सिंह प्रभु गुण सागर, नागर नाथ विभो तन काम अनेक अनूप, छवि गुण गावत सिद्ध मुनींद कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ यथा करि कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रदु बोध भयम, अवतार उदार अपार गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान धनम, अज व्यापक मेकनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, पूर्ण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभू बीरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भव तारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम, सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप बरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मदमार मुदा ममता शमनम, अनबद्ध अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होय न गो, इति वेदि बदंति न दंति कथा, रवि आतप भीनम भीन यथा, कृत कृत विभो सब बानर ये, निरखंति तनानन सादर ये, धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए, यही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए, खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, निपुनायक देवर दामिदम, चरुणाबुज प्रेम सदा शुभदम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवतायाश्रम गए शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।